हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पॉल साइंस में सोशल जस्टिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सोशल जस्टिस क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे और समझते हैं एक एक चीज को लेकर के। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बता देना चाहता हूँ, तो यहाँ से देखते हैं सबसे पहले बेसिक में क्या है। तो देखिए, इस चैप्टर में हमें मेन पॉइंट्स में देखना था। सबसे पहले हमें जस्टिस का मतलब क्या होता है, जस्टिस फिर समझना है कि कहते हैं कि डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। हाँ, कि डायमेंशंस ऑफ जस्टिस क्या है, और तीन प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जो सोशल जस्टिस या जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी है। थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ये समझना है। रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस, इसको भी समझना है। परसुइंग जो सोशल जस्टिस कैसे साथ में चल रहा है, कैसे नहीं, और फ्री मार्केट और स्टेट इंटरवेंशन के बीच में क्या है। हाँ, और सोशल जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, इन सारी बातों को हमें समझना है। ओके, हम इस चैप्टर की शुरुआत में समझेंगे क्या। सबसे पहला चीज समझना क्या है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चीज समझिए कि जस्टिस एक्चुअल में क्या है। व्हाट इज जस्टिस? मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर में आ गया व्हाट इज जस्टिस, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जस्टिस क्या है। ओके, सबसे पहला चीज हमें क्या पता होना चाहिए कि जस्टिस क्या है। देखते हैं, जस्टिस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, जस्टिस को कहाँ से कहते हैं कि डिराइव किया गया है, लैटिन वर्ड से बनाया गया है, जिसका मतलब है जस, और जस का मतलब होता है बंधन। जस का मतलब क्या होता है? बंधन। बंधन का मतलब होता है बाउंड और टाई, ठीक है। बंधन तो इंग्लिश हिंदी वर्ड है, और इसका मतलब होता है बाउंड। यानी कि जस्टिस का मतलब ये हुआ कि जब एक दूसरे से एक आदमी क्या हो गया, बंध गया, मतलब कि इस तरह से जस्टिस इज द नेम ऑफ सिस्टम विच इन विच हाँ बाई विच वन ह्यूमन बींग इज कनेक्टेड टू अनदर ह्यूमन बींग। तो सबसे पहला लिख लेंगे व्हाट इज जस्टिस, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज जस्टिस। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि जस्टिस क्या है, जस्टिस का मतलब क्या हुआ। अभी मैंने बताया जस्टिस में सबसे पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये पॉइंट लिखना है पूरा पूरा है, ठीक है। जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि जस्टिस इज द नेम ऑफ द सिस्टम बाय विच वन ह्यूमन बीइंग इज कनेक्टेड टू अनदर, ठीक है। जस्टिस में क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग क्या होता है, दूसरे ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड होता है। जस्टिस इज नेम ऑफ द सिस्टम इन विच वन ह्यूमन बीइंग इज कनेक्टेड टू अदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इसी में बात नहीं रखना है कि अगला, देयर फोर जस्टिस रिलेट्स टू गिविंग एवरी पर्सन लिविंग इन अ सोसाइटी अ प्रॉपर राइट विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन। यानी कि जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि गिविंग एवरी पर्सन लिविंग इन अ सोसाइटी अ प्रॉपर राइट, यानी कि सबको क्या मिले, प्रॉपर राइट। तो दूसरा पॉइंट इसी में लिखना, सो जस्टिस मीन्स गिविंग एवरी पर्सन लिविंग इन सोसाइटी अ प्रॉपर राइट। प्रॉपर राइट
विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी को डिस्क्रिमिनेशन के बिना। और इसी में पहला पॉइंट क्या लिख दे, पहला पॉइंट लिख देंगे, जस्टिस इज डिराइव फ्रॉम, जस्टिस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड, कौन से लैटिन वर्ड का नाम है, जस, विच मीन्स बाउंड, ठीक है, जिसका मतलब होता है बाउंड, या हिंदी में बोले तो बंद है। ओके, तो पहला ये ऐसे 3 पॉइंट लिख देंगे और उनकी मार्क्स मिल जाएंगे हमें। तो ये बात थी कि जस्टिस क्या है, समझ आ गया। तो अब इसको हम समझते हैं अपने चैप्टर के थ्रू, और ये हमारे चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है जस्टिस के बारे में। सबसे पहला चीज याद आता है, व्हाट इज जस्टिस, देखिए सबसे पहला ही क्या लिखा हुआ, व्हाट इज जस्टिस। जितने भी कल्चर्स हैं, ऑल कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस हैव ग्रैपल्ड, ग्रैपल्ड का मतलब होता है उलझना, हाँ, विद क्वेश्चन ऑफ जस्टिस, ऑल्दो दे मे हैव इंटरप्रिटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंटली। देखो क्या हुआ कि सब लोग क्या कहते हैं कि जस्टिस को लेकर के ये समझ नहीं पा, समझने की कोशिश करते हैं कि जस्टिस क्या है। हाँ, सारे चाहे वो कोई भी कल्चर हो, चाहे कोई भी ट्रेडिशन हो, सब लोग यही समझने की कोशिश करते हैं कि जस्टिस क्या है। ओके, अब हो सकता है कि अलग अलग कल्चर में, अलग अलग ट्रेडिशन में, अलग अलग तरीके से इसको चुनेंगे। जैसे फॉर इंस्टांस इन एंशियंट इंडियन सोसाइटी, पेपर में पूछा जा सकता है कि एंशियंट इंडियन सोसाइटी में जस्टिस किस चीज से एसोसिएटेड था, जस्टिस वॉज एसोसिएटेड विद धर्म, इन एंशियंट इंडियन सोसाइटी जस्टिस वॉज एसोसिएटेड विद धर्म, ये पेपर में पूछा जा सकता है। यानी कि अगर कोई अपने धर्म को मेंटेन कर रहा होगा, हाँ, और जस्ट सोशल ऑर्डर वॉज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द किंग्स, तो पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या पूछा जा सकता है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि इन एंशियंट सोसाइटी, हाँ, व्हाट वाज द जस्टिस, द जस्टिस क्या था। दूसरा चीज, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी करके पूछा जा सकता है कि एंशियंट सोसाइटी में, एंशियंट सोसाइटी में व्हाट वर द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द किंग्स इन एंशियंट सोसाइटी, एंशियंट सोसाइटी में प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द किंग इन एंशियंट, सोसाइटी व्हाट वर द, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द किंग्स, तो किंग्स की प्राइमरी ड्यूटी क्या थी भाई, वो अपने धर्म का पालन करें, क्या करें, अपने धर्म का पालन करें, तो यहाँ पे यही समझना है। तो क्या था, तो एंशियंट सोसाइटी में जो धर्म था वो किसके, जस्टिस किसके साथ एसोसिएटेड था, तो एंशियंट सोसाइटी में हम इसका आंसर लिखेंगे, इन इंडियन सोसाइटी जस्टिस वॉज एसोसिएटेड विद धर्म एंड मेंटेनिंग धर्म कंसिडर टू बी अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द किंग्स। तो आंसर मैं इसका लिख देता हूँ, इन एंशियंट सोसाइटी जस्टिस वॉज एसोसिएटेड विद धर्म, जस्टिस वॉज एसोसिएटेड विद धर्म, इसके साथ एसोसिएटेड था, धर्म के साथ। दूसरा पॉइंट इसी में हमें समझना था कि दूसरा पॉइंट इसी में हमें बताना था कि हाँ, टू मेंटेन धर्म, टू मेंटेन धर्म, और अब धर्म मतलब एक सोशल ऑर्डर होगा, और एन सोशल ऑर्डर, असोशियल ऑर्डर वॉज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द किंग, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द किंग। ओके, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द किंग क्या था, ये भी हम समझना। नेक्स्ट, यहां तक तो हमारे पास समझ में आ गया। इन चाइना,
कन्फ्यूशियस, ये नाम ध्यान में रख लीजिए, कन्फ्यूशियस जो थे ये चाइनीज फिलोसफर थे। कन्फ्यूशियस कहाँ के थे? चाइनीज फिलोसफर। इनके अकॉर्डिंग क्या था? चाइनीज फिलोसफर पेपर में पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस? क्वेश्चन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन जरूरी है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस, अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस, CUN क्या थी? CUN कन्फ्यूशियस डिफाइन जस्टिस। तो उनके अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस का मतलब इनका था, इनके अकॉर्डिंग देखो जस्टिस का मतलब ये था कि भाई द फेमस फिलोसफर आर्ग्यूड दैट किंग्स शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डूअर्स एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस। यानी कि कह रहे हैं कि भाई जस्टिस मींस पनिशिंग द रॉन्ग डूअर्स, जिन्होंने गलत किया हो, पनिशिंग द रॉन्ग डूअर्स एंड एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब अच्छे काम करने। ओके, इनके अकॉर्डिंग ये था। ओके, जस्टिस का मतलब ये था, जस्टिस मीन्स पनिशिंग द रॉन्ग डूअर, जो गलत कर रहे हैं उनको पनिश करना, जो सही कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? रिवॉर्डिंग। ये था इन 14th सेंचुरी BC एथेंस। एथेंस ग्रीस की बात कर रहे हैं, वहां पे प्लेटो थे। प्लेटो कौन थे? प्लेटो सोक्रेटेस के क्या कहते हैं कि शिष्य थे। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहते हैं? प्लेटो डिस्कस्ड इश्यू ऑफ जस्टिस इन हिज बुक द रिपब्लिक। पेपर में पूछा जा सकता है, नेम द राइटर ऑफ द, हु वॉज द ऑथर ऑफ द रिपब्लिक। पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, राइट द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द रिपब्लिक। राइट द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द रिपब्लिक, द रिपब्लिक के ऑथर कौन थे? तो ये हमें पता होना चाहिए। आंसर में क्या होगा? प्लेटो। ओके, चलो नेक्स्ट। इन्होंने क्या बताया कि थ्रू अ लॉन्ग डायलॉग बिटवीन, अच्छा ये जो द रिपब्लिक में क्या लिखा गया है, द रिपब्लिक में क्या कहते हैं कि उन, क्या नाम है कि कहते हैं कि सोक्रेटेस, सोक्रेटेस और क्या कहते हैं कि डिस्कशन लिखा हुआ है, बातचीत लिखी हुई है किसकी? लॉन्ग डायलॉग बिटवीन सोक्रेटेस एंड हिज यंग फ्रेंड्स, इनके मतलब कि प्लेटो के दोस्तों, प्लेटो के फ्रेंड्स के, और सोक्रेटिस के बीच की बातचीत किसमें लिखी गई है, कौन सी बुक में लिखी गई है? तो क्या कहते हैं कि उस बुक का नाम है, क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था इसको पहले, सोक्रेटिस। हाँ, इसमें ये बुक का नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में ये सारी बातें लिखी गई है। इनके कौन कौन से फ्रेंड थे? जैसे ग्लूकॉन, ग्लाउकॉन, और क्या कहते हैं कि अगला आता है ग्लाउकॉन, एडिमेंटस। ठीक है, प्लेटो एग्जामिन वाई शुड बी कंसर्न अबाउट जस्टिस। तो वहां पे उन्होंने क्या कहते हैं कि प्लेटो ने पूछा, या उन लोगों ने पूछा कि भाई क्या कहते हैं कि जस्टिस को लेकर के लोगों को क्यों चिंता करनी चाहिए, जस्टिस को लेकर के क्यों चिंता करनी चाहिए, जस्टिस क्यों होना चाहिए। द यंग पीपल आस्क सोक्रेटिस व्हाई शुड बी जस्ट, हमें जस्ट क्यों होना है। जस्ट का मतलब यहाँ पे है न्यायपूर्ण। जस्ट का मतलब हमें क्या है यहाँ पे? न्यायपूर्ण हमें क्यों होना चाहिए, न्याय संगत हमें क्यों होना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा न्याय का साथ क्यों देना चाहिए, ये कहना चाहते हैं वो जो बच्चे हैं, वो पूछना चाहते हैं सॉक्रेटिस से, हमें न्याय का साथ क्यों देना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ, वाई शुड बी जस्ट। तो वो बच्चे कहते हैं कि हमने, दे ऑब्जर्व, दे मतलब यहाँ पे बच्चे, दे ऑब्जर्व यानी कि यंग पीपल, दे का मतलब यहाँ पे यंग पीपल, दे ऑब्जर्व दैट पीपल हु आर अनजस्ट सीम टू मच बेटर देन ऑफ देन हु आर जस्ट। ये कहते हैं, ये अपना तर्क देते हैं सोक्रेटिस से, ये बच्चे बोलते हैं या यंग पीपल जो भी आप समझ लो, यानी कि उनसे कहते हैं, यानी प्लेटो के दोस्त जो थे वो सोक्रेटिस से कहते हैं कि बता देखिए सर क्या है कि हमें जस्ट होने की क्या जरूरत है, क्योंकि जितने भी अनजस्ट लोग हैं वो लोग ज्यादा अच्छे हैं, जितने लोग जस्ट लोगों से मतलब जो न्याय को फॉलो कर रहे हैं उनसे ज्यादा अच्छे वो लोग हैं जो न्याय को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो अनजस्ट हैं वो लोग ज्यादा अच्छे हैं।
दो मतलब उन लोगों की स्थिति बेहतर है, दोज हु ट्विस्टेड रूल्स, कह रहे हैं कि जिन्होंने रूल्स को तोड़ा मरोड़ा, हाँ, और अपने इंटरेस्ट में अपने अनुसार पीट लिया, और जिन्होंने क्या कहते हैं कि टैक्सेस पे करने से बच गए, और जिन्होंने क्या कहते हैं कि झूठ बोलना शुरू किया, जिन्होंने लोगों को धोखा दिया, वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल है एज कम्पेयर टू जो लोग सच्चा है और जो लोग जस्ट है, जो लोग न्यायपूर्ण है। तो इफ वन वर स्मार्ट इनफ, कह रहे हैं कि अगर क्या कहते हैं कि वो पकड़े जाने से अगर वो बच जाता है, तो ये मुझे तो लगता है कि वो बच्चे कह रहे हैं कि अगर पकड़े जाने से बचा जा सकता है, तो क्या कहते हैं कि इसका मतलब तो जस्ट हो, मतलब क्या कहते हैं कि जस्ट से अच्छा अनजस्ट होना ही हुआ। ठीक है, यू मे हैव हर्ट पीपल एक्सप्रेसिंग सिमिलर सेंटीमेंट्स इवन, तो इसका कोई मतलब नहीं आ रहा। तो इतना बात समझ आया कि समझ में? तो फिर देखिए अब जवाब क्या आता है। अभी तो हमने बताया कि बच्चे ये बातें बोल रहे हैं, अब जवाब क्या आता है? सोक्रेटेस कहते हैं, उनको याद दिलाते हैं, रिमाइंड दीज यंग पीपल, मतलब उनको याद दिलाते हैं कि अगर सब लोग अनजस्ट हो गए, अब एक सोसाइटी है जिसमें सारे के सारे अनजस्ट हो जाएंगे, यानी कि सब लोग रूल्स को तोड़ने लगेंगे अपने अपने अनुसार, अगर सब लोग रूल्स को अपने अपने अनुसार तोड़ने लगेंगे, लिखा हुआ है इफ एवरीवन मैनिपुलेटेड रूल्स टू सूट दियर ओन इंटरेस्ट, सब लोग अपने अपने फलों के अनुसार अपने अपने कामों के लिए दूसरों को रूल तोड़ना शुरू करेंगे, नो वन कुड बी श्योर ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम इनजस्टिस, यानी कि कोई भी इनजस्टिस से किसी को फायदा नहीं होगा, हाँ, और कोई भी सिक्योर नहीं रहेगा, यानी कि सब लोग हार्मफुल हो जाएंगे। यानी कि सोक्रेटिस के अनुसार क्या कहते हैं कि अगर किसी के अगर सब लोग अनजस्टिस ही करने लग जाएंगे, तो सब लोग अनजस्टिस ही करने लग जाएंगे, तो फिर इससे क्या हो, इससे किसी को फायदा नहीं होगा, इससे किसी को फायदा नहीं होगा, बल्कि केवल और केवल क्या होगा, नुकसान होगा, और सबको नुकसान होगा। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं इससे क्या होगा, किसी को फायदा नहीं होगा, सबको नुकसान होगा। तो ये बात आती है, ओके, एंड दिस वॉज लाइकली टू हार्म ऑल ऑफ देम, वही कह रहे हैं कि इस प्रकार से क्या होगा कि सब लोगों को हार्मफुल होगा, यानी कि ये कहना चाहते हैं जस्टिस। अब पेपर में पूछा जा सकता है कि डिफाइन जस्टिस, हाँ, डिफाइन जस्टिस अकॉर्डिंग टू सब सॉक्रेटिस, सॉक्रेटिस के अनुसार क्या था, सॉक्रेटिस के अनुसार क्या कहते हैं कि जस्टिस क्या था, तो देखते हैं अभी। तो जस्टिस का मतलब होता है वेलबींग ऑफ द पीपल, इनके अनुसार क्या था, जस्टिस मींस डूइंग वेलबींग ऑफ ऑल द पीपल इवन दे आर एनिमीज, सब लोगों का हमें भला करना, सब लोगों का भला करना चाहे वो हमारे एनिमी ही क्यों ना हो। तो अगर ऐसा होता है एनिमीज चाहे वो हमारे एनिमी ही क्यों ना हो, तो अगर ऐसा होता है तो इसी को बोलते हैं जस्टिस इनके अकॉर्डिंग, हाँ, किसी के लिए मतलब सबके लिए, क्या कहते हैं कि सबका भला करना, ये कहना चाहते हैं सोक्रेटिस के अनुसार, वही लिखा हुआ है हेंस इट इज आवर लॉन्ग इंटरेस्ट, कह रहे हैं कि भाई देखो अगर क्या कहते हैं उन लोगों को याद दिलाते हैं, देखो अगर सारे के सारे अनजस्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर सारे के सारे ही रूल्स तोड़ने लगेंगे, सारे अपने फायदे के लिए काम करने लगेंगे, तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति सिक्योर नहीं होगा, सब लोग एक दूसरे को हार्म कर देने लगेंगे, एक प्रकार से क्या होगा कि सब लोगों को नुकसान होगा और किसी को कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम लॉ को ओबे करें, और क्या कहते हैं कि न्याय संगत है, जस्ट का मतलब है न्याय संगत या न्याय के साथ है। ओके, सोक्रेटिस क्लैरिफाइड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट जस्टिस मीन्स, कह रहे हैं कि अगर हमें क्या कहते हैं कि जस्ट होना है, हमें जस्टिस का मतलब समझना पड़ेगा। सोक्रेटिस कहते हैं कि अगर हमें न्याय जस्ट होना है, अगर हमें न्याय संगत होना है, मतलब न्याय के साथ रहना है, तो हमें क्या समझना पड़ेगा, वाई इट ये इम्पोर्टेंट है कि जस्टिस क्या होता है। सबसे पहले कह रहे हैं कि हमें जस्टिस का मतलब समझना होगा, तो जस्टिस का मतलब क्या होता है, ही एक्सप्लेन जस्टिस डज नॉट ओनली मीन डूइंग गुड टू आर फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज और पनिशिंग परसुइंग आर ओन इंटरेस्ट, जस्टिस इन्वॉल्व वेलबींग ऑफ ऑल पीपल, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, जस्टिस इन्वॉल्व वेलबींग ऑफ ऑल पीपल, हाँ, तो यानी कि कहते हैं कि वेलबींग ऑफ ऑल पीपल, ठीक है, जस्टिस मीन्स डूइंग वेलबींग, डूइंग विल मीन
हाँ, तो इसको इसी को मैं और करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा और सही से लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस क्या था भाई? जस्टिस इन्वॉल्व्स वेलबींग ऑफ ऑल पीपल। जस्टिस इन्वॉल्व्स वेलबींग ऑफ ऑल पीपल। ओके, जस्टिस इन्वॉल्व वेलबींग ऑफ ऑल पीपल। कौन बोला था ये? कौन बोला था? पेपर में पूछा जा सकता है, बता देना। सॉक्रेटिस ने बोला था भाई कि जस्टिस इन्वॉल्व वेलबींग ऑफ ऑल पीपल, जस्ट एज डॉक्टर। जैसे एक एग्जाम्पल ये बताते हैं कि जैसे एक डॉक्टर क्या कहते हैं, कंसर्न होता है, कंसर्न मतलब चिंतित होता है अब वेलबींग ऑफ ऑल हिज पेशेंट। जैसे कह रहे हैं कि जैसे कि कहते हैं कि एक डॉक्टर होता है अपने पेशेंट को लेकर के हमेशा क्या कहते हैं, वो सोचता है कि हमारे सारे पेशेंट सही हो जाए। उसी तरीके से द जस्ट रूलर, जो एकदम मतलब कि न्यायपूर्ण रूलर होगा या न्यायपूर्ण गवर्नमेंट होगी, उसको भी कंसर्न होना चाहिए वेलबींग ऑफ द ऑल द पीपल, सारे के सारे लोगों के लिए। ठीक है, एंश्योरिंग वेलबींग ऑफ द पीपल इंक्लूड्स गिविंग ईच पर्सन हिज गिव। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया फिर से, कह रहे हैं कि अगर हम वेलबींग पीपल के इंश्योर करने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे एक वर्ड है ये समझने की जरूरत है। अब इस टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि ये कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंश्योरिंग वेलबींग ऑफ द पीपल इंक्लूड्स गिविंग ईच पर्सन हिज गिव। अब पेपर में ये पूछ लिया जाएगा कि इंश्योरिंग वेलबींग ऑल द पीपल इंक्लूड्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू। तो यहाँ पे इस ड्यू का मतलब क्या है? ड्यू का मैं हिंदी बता देता हूँ, प्राप्त। ड्यू का मतलब क्या होता है? प्राप्त। प्राप्य का मतलब होता है प्राप्त करने वाला, जो हमें मिलने वाला है, जो हमें मिलने वाला है, जो हम प्राप्त कर सकते हैं उसे ही बोला गया प्राप्त। प्राप्य यानी कि जस्टिस की, जब मैं जस्टिस की बात करूंगा, जब मैं क्या कहते हैं कि वेलबींग ऑफ द पीपल बात करूंगा, तो हमें, मुझे जो प्राप्त हो जाना चाहिए वो मुझे होना चाहिए। अगर हम तो जो हमें प्राप्त होना चाहिए, यानी कि सरकार को उन सभी चीजों के लोगों को देना चाहिए जो जिसके लिए वो क्या कहते हैं, जिनके वो अधिकारी हैं, यानी कि जो उनको मिल सके। तो ड्यू का मतलब यहाँ पे यही है। ओके, कि अब सबको उनके उनके ड्यू मिल सके, सबको उनके उनके ड्यू मिल सके। वेलबींग ऑफ ऑल द पीपल का मतलब यही है। ठीक है, इंश्योरिंग वेलबींग ऑफ द पीपल इंक्लूड्स गिविंग ईच पर्सन हाँ हिज ड्यू, यानी कि हर पर्सन को उसका ड्यू मिले। हर पर्सन को उसका ड्यू मतलब कि कहते हैं कि हर पर्सन को जो चाहिए हो वो मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या? द आइडिया दैट जस्टिस इन्वॉल्व गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू कंटिन्यूज टू बी। देखो ये पार्ट, ये कब बताया गया? देखो अभी मैंने बताया था, ये लगभग लगभग कितने बात हो रही है, क्या कहते हैं कितने सालों की बात हो रही है, ये देखिए 4th सेंचुरी BC, मतलब कि कहते हैं कि 400 BC की बात हो रही है। बहुत मतलब कि आज के क्या कहते हैं कि 2000, तो अभी 2022 चल रहा है, 400 साल पहले भी, तो मतलब कि 2422 साल पहले की बात है। लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ पे लगभग लगभग तब की बात चल रही है। अभी भी देखो क्या कहते हैं कि यही चीज अभी भी चल रही है। क्या? हर लोगों को अपना ड्यू, मतलब कि हर लोगों को उनका ड्यू मिलना चाहिए, हर लोगों को उनका ड्यू मिलना चाहिए। अब ये ड्यू होता क्या है यही समझना। आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ड्यू पर्सन हैज चेंज। पहले क्या कहते हैं कि पहले ड्यू का मतलब कुछ और था, अभी कुछ का मतलब और है। वही लिखा हुआ कि ड्यू का जो अंडरस्टैंडिंग है, ड्यू का अंडरस्टैंडिंग, ड्यू क्या है उसको मैंने बताया था। ड्यू का हिंदी क्या होता है? प्राप्त। प्राप्त का मतलब होता है जो हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ड्यू का मतलब अभी तक बदलता जा रहा है। टूडे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज जस्ट इज क्लोजली लिंक्ड टू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ड्यू टू ईच पर्सन एज ह्यूमन बींग। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और आ गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कैंट, इमैनुअल कैंट के अकॉर्डिंग क्या था? ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग क्या होते हैं? डिग्निटी पॉसेस करते हैं। तो क्या कहते हैं कि डिस्क्राइब, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था एक बार। डिस्क्राइब
ड्यू ऑफ द पीपल, लोगों के लिए ड्यू क्या है अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट के अनुसार? ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि एवरी पर्सन पोसेस डिग्निटी, हर पर्सन का क्या होता है, डिग्निटी। ठीक है, ह्यूमन बींग्स पोसेस डिग्निटी, ह्यूमन इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हूम, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बींग पोसेस डिग्निटी, क्या इंसानों के पास में क्या है, डिग्निटी। ओके, क्या है डिग्निटी। फिर उसके बाद में इफ ऑल पर्सन आर ग्रांटेड डिग्निटी, अगर सबको डिग्निटी उनकी मिल जाए, ठीक है, अगर उनको सबकी क्या हो जाए, डिग्निटी दे दी जाए, देन ड्यू का मतलब क्या होता है वो बताते हैं। देन इफ ऑल पर्सन, सारे के सारे पर्सन, इफ ऑल पर्सन ग्रांटेड डिग्निटी, अगर सारे के सारे पर्सन को डिग्निटी मिल जाती, देन देन व्हाट इज ड्यू टू ईच ऑफ देम इज दैट, देन व्हाट इज ड्यू टू Each of them is equality of opportunity and is that they have opportunity to develop, या अपॉर्चुनिटी टू डेवलप डियर टैलेंट्स एंड परस्यू डियर चूजिंग, डियर टैलेंट एंड परस्यू डियर ओन गोल्स। यानी कि ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो मैं ड्यू की बात बताता हूँ, ये ड्यू है क्या, वो कह रहे हैं कि अगर ह्यूमन, देखो ह्यूमन बींग्स क्या होता है, सबके पास सारे ह्यूमन बींग्स की अपनी अपनी डिग्निटी है, अगर क्या कहते हैं कि उनकी डिग्निटी मतलब उनका गौरव, उनके क्या कहते हैं कि सारे पर्सन को अगर मैं डिग्निटी दे दी, डिग्निटी के बाद एक तो पहला सीट डिग्निटी दे, उसके बाद ड्यू का मतलब समझाते हैं कि ड्यू का मतलब ये हुआ कि दे हैव अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दियर टैलेंट्स, वो अपने टैलेंट्स को क्या कर सकें, यानी कि डिग्निटी के साथ साथ में वो अपने टैलेंट को भी डेवलप कर सकें। हाँ, डिग्निटी के साथ साथ में वो अपने टैलेंट को भी डेवलप कर सकें और साथ में ही अपने गोल्स को पाने के लिए वो कोशिश भी कर सकें। इतनी बात है, जस्टिस रिक्वायर दैट वी गिव ड्यू इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल इंडिविजुअल्स। हम क्या करें कि जस्टिस का मतलब ये हुआ कि इन्होंने ये बातें बता दी, ये बातें बता दी गई, और ये आगे चल के बताता है, बताया जाता है कि जस्टिस का मतलब क्या हुआ, जस्टिस रिक्वायर्स दैट, जस्टिस को क्या चाहिए, जस्टिस को चाहिए कि वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल इंडिविजुअल, सबको इक्वली ट्रीट करें, सबको इक्वली ट्रीट करें। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया हमें। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो मैं सीधे बता दे रहा हूँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स, डिस्क्राइब थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ, डिस्क्राइब थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आउटलाइंड इन द चैप्टर।
ठीक है, विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स के साथ में क्या करना है हमें इस चैप्टर में, क्या कहते हैं कि जो थ्री प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं उसको डिस्कस करना है। ओके, अब थ्री प्रिंसिपल कौन कौन से दिए हुए ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ जस्टिस के तीन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल लिखा हुआ है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। क्या लिखेंगे? इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, सबसे पहला प्रिंसिपल इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स क्या हो गया, पहला प्रिंसिपल। ओके, दूसरा प्रिंसिपल क्या है? दूसरा प्रिंसिपल ये है प्रपोर्शनेट जस्टिस। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? प्रपोर्शनेट जस्टिस। और तीसरा प्रिंसिपल है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। क्या तीसरा प्रिंसिपल है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, कहाँ पे है ये देखिए ये। तो थर्ड प्रिंसिपल क्या हो गया? रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। तो इन्हीं तीनों के बारे में हमें बात करनी है इस चैप्टर में, या इस टॉपिक में, क्या कहते हैं कि हमें इन्हीं तीनों के बारे में बात करनी है। कौन सी तीन चीजों के बारे में बात करनी है? सबसे पहला मैंने बताया कि कहते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, जो लोग इक्वल हों उनके लिए इक्वल ट्रीटमेंट। ओके, फिर दूसरा हमने क्या बता दिया? हमने बता दिया कि कहते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल हो गया, दूसरा था प्रोपोर्शनेट जस्टिस, और तीसरा था रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। तो देखते हैं सबसे पहले में क्या क्या चीजें हमें लिख सकते हैं। तो जितना, यानी कि कहते हैं कि सारे के सारे लोग क्या हैं, अगर मैं पहले की बात करूं, देखो पहले की थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर लिखना क्या है वो हमें अभी समझ में ही आ जाएगा। सबसे पहला इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, सबसे पहला जो है इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? तीन प्रिंसिपल्स इस चैप्टर में दिए हुए हैं, उन तीनों प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल यही है, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या बताया गया है? ऑल दो देयर माइट बी ब्रॉड एग्रीमेंट इन मॉडर्न सोसाइटी अबाउट द इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल पीपल, यानी कि सबका अपना इक्वल इम्पोर्टेंस है, इट इज नॉट अ सिंपल मैटर और टू डिसाइड हाउ टू गिव सच ईच पर्सन इज आर ड्यू, मतलब कि हर पर्सन को कैसे उसका ड्यू दिया जाए। मैंने पहले ही ड्यू का मतलब समझा चुका। अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड इन दिस रिगार्ड। वन ऑफ द प्रिंसिपल्स इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। तो सबसे पहला क्या हुआ? सबसे पहला प्रिंसिपल हुआ कि कहते हैं कि ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, जितने भी, क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है जिसमें कहता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स में कह रहे हैं कि ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। ओके, तो यानी कि हम आगे बता देंगे इसमें, जब सबसे पहला हेडिंग डाल देंगे इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, सबसे पहला हेडिंग डाल देंगे इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट है जिसमें हम बता देंगे कि भाई द फर्स्ट प्रिंसिपल पहला प्रिंसिपल क्या बताता है? द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज ट्रीटिंग ऑल पीपल। ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, सबसे पहला प्रिंसिपल यही है कि ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली।
इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना ही क्या होता है, पहला प्रिंसिपल। ओके, सबसे पहला प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब क्योंकि हमें पता है कि इसी में दूसरा पॉइंट क्या बता देंगे, ऑल ह्यूमन, ऑल इंडिविजुअल्स, सारे के सारे इंडिविजुअल, यानी कि सारे के सारे लोग शेयर कॉमन फीचर्स ऑफ बीइंग ह्यूमन। हाँ, सब लोग इंसान हैं, और इसका मतलब क्या हुआ, सबको क्या कहते हैं कि देयर फोर दे शुड हैव इक्वल, दे शुड हैव इक्वल राइट, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। सबको क्या मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स, एंड शुड बी ट्रीटेड इक्वली। और सब लोग कैसे ट्रीट किए जाने चाहिए, इक्वली। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, सबको इक्वली ट्रीट करना कि किया जाना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट इसी में क्या लिखेंगे, तो दो पॉइंट हमें समझ में आ गया कि इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल ये बताता है कि भाई कि ट्रीटिंग इक्वल इक्वली। दूसरा पॉइंट हमने बता दिया, जब सारे लोग ही इंसान हैं, सब लोगों के पास सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोगों को एक जैसा ही बिहेव करना है, सबको इन डेमोक्रेटिक कंट्री। जब मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करता हूँ, जैसे हमारा देश है डेमोक्रेटिक कंट्री, इन डेमोक्रेटिक कंट्री जब मैं बात करता हूँ तो क्या होता चाहिए, सिटीजन्स जितने भी होंगे सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। सिटीजन्स डिजर्व इक्वल राइट्स। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होना चाहिए, सारे के सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, एंड दीज राइट्स आर, दीज राइट्स आर प्रोवाइडेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन। इस और ये राइट्स कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ओके, ये राइट्स कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन कौन सी राइट प्रोवाइड करता है, एग्जाम्पल बता दो, इसी में एग्जाम्पल बता दो कि सिविल राइट्स, हमें सिविल राइट्स मिली हुई है। कौन कौन सी सिविल राइट्स मिली हुई है, हमें सिविल राइट्स मिली हुई है, सिविल राइट्स मिली हुई है, राइट टू लाइफ मिला हुआ है, ये सब किसने दिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, और क्या दिया हुआ है, राइट टू लाइफ दिया हुआ है, इक्वेलिटी लिबर्टी, राइट टू इक्वेलिटी दिया हुआ है, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा ही, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, फिर आ जाता है राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें हमें मिली हुई हैं। हाँ, ये सारी चीजें मिली हुई हैं, तो एक प्रकार से क्या कहते हैं कि ये सब हमें क्या हो, कि और क्या कौन से मिले हुए हैं, और कौन कौन से मिले हैं, पॉलिटिकल राइट्स मिले। इतनी बात आपको समझ में आ गई, और क्या क्या मिला हुआ है, पॉलिटिकल राइट्स। जैसे पॉलिटिकल राइट्स में क्या क्या मिले हुए, पॉलिटिकल राइट्स में हमें मिले हुए हैं कि जैसे क्या कहते हैं कि राइट टू वोट मिला हुआ है, राइट टू वोट, राइट टू वोट, राइट टू वोट, और फिर क्या है, राइट टू बी वोटेड, मतलब वोट लेने का भी अधिकार, मतलब चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, राइट टू बी वोटेड, और क्या कहते हैं कि राइट टू वोट, राइट टू बी इलेक्टेड, इलेक्टेड लिख देते हैं, राइट टू बी इलेक्टेड। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि और हमें क्या अधिकार मिला हुआ है, इलेक्टेड के साथ साथ में क्या कहते हैं कि
ये सब मिला हुआ है, हमें ये सारी चीजें मिली हुई। और क्या कहते हैं कि हमें तीसरा पॉइंट इसी में बता देंगे। देखो अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट बताए, दो पॉइंट शायद बताए। सबसे पहला पॉइंट, अच्छा तीन पॉइंट बता दिए। पहला पॉइंट बता दिया कि ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। दूसरा पॉइंट हमने बता दिया कि क्या कहते हैं कि सब लोगों के कॉमन फीचर्स हैं, इसलिए इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हमने बता दिया कि एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए और वो सारे के सारे सिटीजन्स एक समान होते हैं। किसी डेमोक्रेसी में सब सिटीजन्स एक समान होते हैं, इसलिए सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और वो राइट्स कौन प्रोवाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। इसी में चौथा पॉइंट भी बताएंगे। इसी में चौथा पॉइंट क्या बताएंगे कि भाई पीपल, चाहे वो लोग जो हो, पीपल शुड नॉट बी, लोग जो होने चाहिए वो डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होना चाहिए, नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। ठीक है, पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या कहते हैं कि किस बेसिस पे उनको क्या कहते हैं कि वो नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनका, इस बेसिस पे नहीं। हाँ, रिलीजन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब बेसिस पे क्या कहते हैं कि उनका क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख देंगे। एग्जाम्पल मैंने बताया था, एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें बोलना। देयर शुड बी इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। देयर शुड बी इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस होने चाहिए। हाँ, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ओके, हाँ, फॉर बोथ मैन एंड वुमन। तो पहला पॉइंट मतलब कि आपको क्या कहते हैं कि ये बात समझ में होगी। हम ठीक है, तो यानी कि क्या कहते हैं कि अगर मान लो कि ऐसे एक एग्जांपल बता दो, इफ अ फीमेल डॉक्टर, हाँ, इफ फीमेल डॉक्टर वर्किंग इन अ सिविल हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, इज पेड लेस देन मेल डॉक्टर, इट इज अनजस्ट। क्या होगा ये? अनजस्ट होगा, ये जस्ट नहीं है। ओके, तो ये पहला प्रिंसिपल आपका कंप्लीट हुआ। तो देखिए, पहले प्रिंसिपल में यही लिखा हुआ है जो अभी मैंने बताया है यहाँ पे। क्या कहते हैं कि यही से मैंने देख के बताया है भाई आपको। क्या लिखा हुआ है कि वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ये है, देयरफॉर दे डिजर्व इक्वल राइट्स, क्योंकि सारे के सारे लोगों के पास भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इंसानों की, तो इसलिए कि कहते हैं क्या होते हैं, उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। फिर हमने आगे भी बताया था कि जो आप क्या कहते हैं कि मोस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज, यानी कि जैसे हमारी जो डेमोक्रेसी है, जितनी भी डेमोक्रेसी होती उनमें क्या होता है, जो डेमोक्रेसी होती है वो हमेशा हमें कैसे कैसे राइट्स दे रखे हैं, सिविल राइट्स दे रखे हैं। जैसे सिविल राइट्स में कौन कौन सी आ गए, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब। हमें पॉलिटिकल राइट्स भी मिल रखे हैं, कौन कौन से, राइट टू वोट, राइट टू बी इलेक्टेड, ठीक है, जिसमें हम कोई भी पर्सन क्या कहते हैं कि, एंड सर्टेन सोशल राइट्स भी मिले हुए, जिसमें राइट टू एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने का भी अधिकार। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें ध्यान में होना। और इक्वल राइट्स के अलावा भी
द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली वुड रिक्वायर दैट इक्वल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, लोगों का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किस किस बेस पे नहीं होना चाहिए, मैंने बता रखा है, RRC, हाँ RRC, और क्या कहते हैं कि रिलीजन, रेस, कॉस्ट और प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसे याद कर लो, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, RRCB। और जी जी भी बताया था, RRCGP, ऐसे समझ लो, CGB, हाँ, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। इन चार पांच चीजों के बेसिस पे क्या होना नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देखो, क्लास, कॉस्ट, रेस, जेंडर और इवन रिलीजन भी कह दो, दे शुड नॉट, दे शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दियर वर्क। उनके वर्क के बेसिस पे उनको जज करना है, उनके काम के बेसिस पे जज करना है, उनके क्या कहते हैं कि जाति के बेसिस पे नहीं जज करना है, उनके जेंडर के बेसिस पे नहीं जज। हाँ, अगर सेम पर्सन सेम काम कर रहे हैं तो उनको सेम क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ वेजेस मिलने चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ से हमें समझ में आती है। ओके, तो यहाँ तक आपको मैंने एक एग्जांपल बता देता हूँ। इफ अ मेल टीचर इन स्कूल गेट्स हायर सैलरी, अगर मेल टीचर्स को ज्यादा सैलरी मिलती है और फीमेल टीचर से, तब क्या हुआ, ये अनजस्टिफिएबल हुआ और रॉन्ग भी हुआ, अनजस्टिफिएबल और रॉन्ग भी है, ठीक है। अनजस्टिफिएबल का मतलब होता है नाजायज, ठीक है, गौर गलत भी। फिर सेकेंड प्रिंसिपल क्या आ जाता है, सेकेंड प्रिंसिपल जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनेट जस्टिस। मैंने बताया था सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, प्रोपोर्शनेट जस्टिस, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में 6 मार्क्स में, प्रोपोर्शनेट जस्टिस 6 या 5 मार्क्स में आएगा ही है, प्रोपोर्शनेट जस्टिस। अब देखते हैं प्रोपोर्शनेट जस्टिस क्या है। ये सेकेंड प्रिंसिपल है, ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है। भाई देखो, यहाँ पे बताया भी है, इक्वल ट्रीटमेंट इज नॉट ओनली प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ये कह रहे हैं कि क्या केवल और केवल इक्वल ट्रीटमेंट ही प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है क्या, नहीं। देयर कुड बी सर्कमस्टांसेस इन विच वी माइट फील दैट ट्रीटिंग एवरी बॉडी इक्वली वुड बी अनजस्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे तो अनजस्ट होगा, सबको इक्वली ट्रीट करेंगे तो अनजस्ट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हुआ, इन्होंने क्या एग्जाम्पल बताया हुआ, हाउ फॉर इंस्टांस वुड यू रिएक्ट इफ इट वॉज डिसाइडेड इन योर स्कूल दैट ऑल दोज हु डिड एन एग्जाम शुड गेट इक्वल मार्क्स बिकॉज दे आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेम स्कूल सेम एग्जाम। कह रहे हैं कि क्या जितने भी बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, मान लो एक एग्जाम में 6 लोग बैठे हैं और 6 के 6 लोगों को इक्वल मार्क्स दे दिया जाए, क्योंकि उन्होंने सेम पेपर दिया है, उन्होंने सेम क्या कहते हैं स्कूल में है, वो सेम क्लास में, सब कुछ सेम है, तो क्या उन्हें सेम मार्क्स दिया जाए, तो नहीं। यहाँ पे तो गलत हुआ ना, यहाँ पे गलत इसलिए हुआ क्योंकि जो ज्यादा पढ़ के आया होगा और जो बहुत कम पढ़ के आया होगा, सबको सेम ही मार्क्स मिल रहे हैं। यानी कि सेकेंड वाले में यहाँ पे जो बात किया जाएगी, ये बात किया जाता है कि भाई उनके, मैंने बताया है अभी था कि क्या कहते हैं कि उनकी योग्यता, उनकी कैपेबिलिटी का भी ध्यान रखना होगा, कैपेबिलिटी को भी ध्यान रखना कि कितनी उनकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी कितनी है। ओके, तो ये भी ध्यान रखना होता है। यानी कि हियर यू माइट थिंक दैट इट वुड बी मोर फेयर इफ स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड मार्क्स अकॉर्डिंग टू दियर क्वालिटी ऑफ दियर आंसर पेपर। अगर उनके क्वालिटी के अनुसार अगर मार्क्स दिया जाए तब तो सही है, अगर हम उनकी क्वालिटी के अनुसार मार्क्स ना दे करके हम इस बेसिस पे दे दें कि भाई वो सेम क्लास के हैं, तब तो फिर अनफेयर हुआ ना। यानी कि हमेशा इक्वली ट्रीट करना भी क्या कहते हैं कि अनजस्ट होता है, ये ध्यान रखना। हाँ, पॉसिबली द डिग्री ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन, इन अदर वर्ड्स प्रोवाइडेड एवरी बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द सेम बेस लाइन फॉर इक्वल राइट, जस्टिस इन सच केसेस वुड मीन रिवॉर्डिंग पीपल इन प्रोपोर्शन टू स्केल ऑफ। हाँ, तो यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमें क्या करना है इस वाले मेथड में, यानी कि प्रोपोर्शनेट जस्टिस में। अगर हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब क्या होगा कि भाई जहाँ पे क्या कहते हैं कि हमें लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करना है, उनको प्रोपोर्शनेट मैटर में ट्रीट करना है, किसमें ट्रीट करना है, प्रोपोर्शनेट मैटर में। यानी कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, इसमें हम बता देंगे सबसे पहला पॉइंट। द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज, यहाँ पे क्या मेन मैटर क्या करता है, ये सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज रिवॉर्डिंग
द पीपल। इन प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी ऑफ दियर एफर्ट। क्या मैंने क्या बताया कि यहाँ पे कहना चाहता है कि भाई यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हर पर्सन को कैसे ट्रीट करना है, या कैसे क्या कहते हैं कि रिवॉर्ड देना है, कि उनके प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसा वो काम कर रहे हैं, जितना उनका एफर्ट ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उनको रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। ओके, इतना बात समझ में है? नहीं समझ में है। इसमें क्या क्या होंगे, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, इसमें जैसे फैक्टर्स कौन कौन से आ जाए, फैक्टर्स सच एज एफर्ट। क्या जो एफर्ट कोई लगाता है, एफर्ट रिक्वायर्ड, कितना एफर्ट जरूरी है, स्किल रिक्वायर्ड, कौन सी स्किल की जरूरत है, इन सब चीजों को अब के कहते हैं कि वो दिया जाएगा, तवज्जो दिया जाएगा, मतलब कि वैल्यू दी जाएगी किनकी, तो एफर्ट एफर्ट कितना जरूरी है, स्किल कौन कौन सी जरूरी है, एंड एंड पॉसिबल डेंजर्स इन्वॉल्व इन द वर्क, एंड पॉसिबल डेंजर्स इन्वॉल्व इन द वर्क, डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ रिवॉर्ड। कितना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा या कितना कम मिलेगा रिवॉर्ड, इस बात पे डिपेंड करता है कि उन्होंने उसमें एफर्ट कितना जरूरी है और कौन सी स्किल की जरूरत है। ओके, और क्यों इतना डेंजर है, कितना खतरा है उस काम के लिए। ओके, तो ये बात है अभी इसमें प्रोपोर्शनेट जस्टिस में, ये सारी बात है। जहां पे क्या होता है कि जस्टिस इन सच केसेस वुड मीन रिवॉर्डिंग पीपल इन प्रोपोर्शन ऑफ दियर स्केल ऑफ क्वांटिटी ऑफ एफर्ट। मैंने बताया है कि यहाँ पे क्या होता है कि इसमें रिवॉर्ड करना है लोगों को उनके एफर्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, फिर मैंने बताया था कि हर बार एग्जाम्पल देना जरूरी है। इन आई स्कूल, एक स्कूल में बता देंगे कि मार्क्स के अनुसार, इफ ऑल स्टूडेंट स्ट्रीम, इफ ऑल स्टूडेंट स्ट्रीम इन क्लास, ऑल स्टूडेंट्स स्टडी इन क्लास, इन सेम क्लास, आर अवॉर्डेड इक्वल मार्क्स। इट वुड बी अनफेयर, ठीक है, इट वुड बी अनफेयर एंड अनजस्ट। क्या होगा, अनफेयर भी होगा और अनजस्ट भी, क्लियर। तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करें, उनको क्या कहते हैं कि उनके मेहनत के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स दिया जाए, क्या किया जाए, दे शुड रिवॉर्डेड, दे शुड रिवॉर्डेड या अवॉर्डेड, दे शुड अवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू दियर दियर परफॉर्मेंस इन एग्जाम, उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम। ओके, बस इतनी सी बात हमें यहाँ पे बतानी है, और ऐसे एक एग्जाम्पल बता देंगे वर्कर्स को कि अगर उनके वर्क का कि कहते हैं कि
यानी कि इसमें ये बात आ गई कि अलग अलग, अगर मान लो कि ये कहते हैं कि अलग काम है तो अलग के कहते हैं कि उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिर तीसरा इसी में क्या था, तीसरा क्या था मैंने बताया था, तीसरा भी था प्रिंसिपल, तीसरा प्रिंसिपल था रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। तीसरा प्रिंसिपल क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। देखिए इसमें तीसरा प्रिंसिपल भी था ना, तीसरा प्रिंसिपल क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। अ थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विच वी रिकॉग्नाइज इज फॉर सोसाइटी टू टेक इनटू अकाउंट स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड्स और ड्यूटीज। जबकि कहते हैं कि थर्ड प्रिंसिपल क्या बताता है, ये स्पेशल नीड्स को पहचानने की कोशिश करता है। रिकॉग्निशन मतलब होता है उनको ध्यान में रखता है क्या कि स्पेशल नीड्स की क्या क्या जरूरत है। तो भाई दिस प्रिंसिपल, ऑफ रिकॉग्निशन, दिस प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स ये किसको प्रमोट करता है, ऑफ पीपल नीड्स फॉर प्रमोटिंग सोशियल जस्टिस। ये किस लिए है, सोशियल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, किसको प्रमोट करने के लिए है, सोशियल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। ओके पहला पॉइंट समझ में, ये किसको प्रमोट करने के लिए होता है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। जैसे फिजिकल डिसेबिलिटीज हो गई, फिजिकल, थोड़ा सा और मैं यहाँ से इसमें लिख देता हूँ टी, द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विच वी रिकॉग्नाइज इज फॉर सोसाइटी टू टेक इन टू अकाउंट स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो ये दिस प्रिंसिपल टेक्स इन टू अकाउंट किस चीजों पे ध्यान देती है, एक टेक इन टू अकाउंट का मतलब ध्यान देना। हाँ स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल, स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग, वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग अवार्ड रिसोर्स और ड्यूटीज। अगर क्या कहते हैं कि ये सारी चीजें की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान में क्या करना है कि स्पेशल नीड्स क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है इसमें, इसकी आ जाती है फिजिकल डिसेबिलिटीज, फिजिकल डिसेबिलिटीज ये भी ध्यान रखना जाता है कि इनके लिए, कि मान लो कि जो फिजिकली डिसेबल है ये भी ध्यान रखा जाता है, फिजिकल डिसेबिलिटी कॉमा एज। हाँ कि जैसे कोई 60 के ऊपर का हो गया तो उनके लिए स्पेशल, हाँ, और या बच्चों के लिए अलग स्पेशल लॉ हो जाता है। लैक ऑफ एक्सेस टू गुड, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है लैक ऑफ एक्सेस टू गुड, लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन, कुछ लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, हेल्थ केयर नहीं मिल पा रही है, एंड हेल्थ केयर आर ग्राउंड्स फॉर डिटरमाइनिंग स्पेशल नीड्स। कह रहे हैं कि अगर हमें किसी को स्पेशल नीड्स देना है तो हमें ये भी तो समझना पड़ेगा किस बेसिस पे हम स्पेशल नीड्स दें। क्या हमें, अगर किसी को स्पेशल नीड देना है तो हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि हम किस बेसिस पे स्पेशल नीड दें, किस बेसिस पे, तो किस बेसिस पे फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे कोई चल नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई दौड़ नहीं पा रहा है, तो इसके बेसिस पे उनको दिया गया।
जैसे अब बच्चों के लिए क्या होता है, कुछ लॉ बना दिए गए बच्चों के लिए या बूढ़ों के लिए अलग से लॉ बना दिए जाते हैं, जिसमें जैसे हाँ अभी ट्रेन टिकट के लिए लाइन होती है बूढ़ों की अलग लगी सारे। कभी कभी क्या होता है लैक ऑफ एक्सेस ऑफ गुड एजुकेशन, तो जैसे मान लो कि ये कहते हैं कुछ सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे भी क्या कहते हैं कि ग्रुप होते हैं जिनको क्या कहते हैं कि एजुकेशन गुड अच्छी नहीं मिल पाती, तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल लॉ बनाए जाते हैं। कुछ लोगों को हेल्थ केयर सही से नहीं मिल पाता तो ऐसे लोगों के लिए भी लॉ बनाए जाते हैं, यानी कि उन्हीं को इस बेसिस पे यानी कि एज के बेसिस पे, फिजिकल डिसेबिलिटी के बेसिस पे या लैक ऑफ गुड एजुकेशन, इन सब बेसिस पे क्या कहते हैं कि स्पेशल नीड को क्या कहते हैं कि स्पेशल नीड किसको किसको है ये डिटरमाइन किया जाता है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी बता सकते हैं कि अब यहाँ पे आगे हम बता सकते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन्स ठीक है, स्पेशल प्रोविजन्स बना सकते हैं किसके लिए, स्पेशल प्रोविजन्स फॉर स्टेट किसके लिए स्पेशल प्रोविजन्स बना सकते हैं इन सब चीजों के लिए कहते हैं फॉर द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ एंड एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशियली एंड एजुकेशनली एनी सोशियली एंड एजुके सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स ठीक है, और एससी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ओके। ये बात आपको समझ में आ गई, एग्जाम्पल बता दें, रिजर्वेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंटली एबल्ड पीपल, डिफरेंटली एबल्ड पीपल एससी एसटी एंड ओबीसी, तो ये सब क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें होगी। यहां तक बात समझ में आई, नहीं समझ में? अब के कहते हैं कि हमें तो ये बातें समझ में आ गई, तो यहाँ पे यही सारी चीजें गई, बट इवन नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन, ये सारी चीजें हमें समझ में आना है कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि सबको इक्वली ट्रीट करना है। द प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग अकाउंट स्पेशल नीड्स पीपल डज नॉट नेसेसरी कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, पेपर में क्या पूछ लेता है कि जो अगर हम क्या कहते हैं कि स्पेशल नीड्स पेपर में पूछ लेता है कि क्या कहते हैं कि जो स्पेशल नीड्स हम दे रहे हैं, हम लोगों को स्पेशल नीड्स दे रहे हैं, क्या हमारे इक्वल इस वाले प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को क्या कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है मतलब विरोध करता है उसका क्या, नहीं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, क्योंकि इक्वल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट क्या कहता है, कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट कहता है कि भाई सबको पीपल हु आर, देखो अगर हम देखे जाए तो वो कह रहे हैं कि जो लोग इक्वल हैं उनको इक्वल ट्रीट करें, फिर इसका मतलब ये भी तो हुआ ना जो लोग इक्वल नहीं है उनको इक्वल नहीं ट्रीट करना है, इसका मतलब जो लोग पीछे रह गए हैं उनको स्पेशल नीड्स की जरूरत है। तो पेपर में पूछा जा सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है कि आप मुझे बताइए कि जब मैं बात करता हूँ कि इक्वल ट्रीटमेंट, हाँ लॉ ऑफ इक्वलिटी यानी कि लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वलिटी, कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट क्या मतलब कि जो स्पेशल नीड्स है क्या प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट को रिकॉग्निशन ऑफ, मैंने क्या बोला, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड, क्या रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स
क्या कहते हैं कि वायलेट करता है ए प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट को, वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट को तो नहीं, इक्वल कर हाँ ट्रीटमेंट को नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो ये इक्वलिटी का इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, जो लोग इक्वल हैं उनको इक्वल ट्रीट करो, और इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि जो लोग इक्वल नहीं है उनको इक्वल नहीं ट्रीट करना है। अब कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जो समाज में पीछे रह गए, जो समाज में पीछे रह गए तो उनको आगे लाने के लिए फिर क्या लाना पड़ेगा, रिजर्वेशन तो लाना ही पड़ेगा ना, जो लोग पीछे रह गए हैं उनके लिए रिजर्वेशन तो लाना ही पड़ेगा। तो ये सारी बातें तो यहाँ तक हमारे समझ में आ गई। ओके, तो ये हो गए कि कहते हैं कि हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए, और यही सारी चीज पीपल विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज कुड बी कंसिडर्ड अनइक्वल, यानी कि वो क्या है एक प्रकार से अनइक्वल है। जब वो अनइक्वल है तो इसका मतलब उनको क्या कहते हैं कि हेल्प की जरूरत है। हाँ ठीक है, तो यानी कि हमें समझ में आ गया कि ये सारी चीजें हैं कि उनको हमें अपॉर्चुनिटी देनी है, ये सारी चीजें किसी ना किसी बेसिस पे हमें उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ी। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर अलाउड फॉर रिजर्वेशन ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स में क्या कहते हैं रिजर्वेशन या कोटा फॉर एडमिशंस, एडमिशंस के लिए जो कोटा मिले तो वो सब किस प्रिंसिपल्स पे हैं, तो पेपर में पूछा जा सकता है कि जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं कि मैंने बताया रिजर्वेशन ये किस प्रिंसिपल पे है, जस्टिस के किस प्रिंसिपल पे है, हम बता देंगे रिकॉग्निशन फॉर स्पेशल नीड्स। हाँ, और क्या कहते हैं कि अगर बोल दिया जाए कि क्या कहते हैं कि दो लोग तीन चार लोग हैं, मान लो कि क्या कहते हैं कि ऐसे समझ लो ए है बी है सी है, ए को सैलरी 10,000 मिल रही है और बी को सैलरी मिल रही है 5,000 और सी को मिल रही है सैलरी 8,000। हाँ, तो इन तीनों को सैलरी अगर मैंने बोला कि ये जस्टिस भी है इनके अकॉर्डिंग ये सही भी है और क्या कहते हैं कि तो इसका मतलब इसमें कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा होगा, इसमें काम कर रहा होगा प्रोपोर्शनेट जस्टिस का, कौन सा काम कर रहा होगा प्रोपोर्शनेट जस्टिस का प्रिंसिपल। ठीक है, जब सैलरी अलग अलग मिल रही है तो प्रोपोर्शनेट जस्टिस, और अगर हमने कहा कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे तीनों को इक्वल ही क्या कहते हैं कि सैलरी में क्या कहते हैं कि हमने बताया कि SC ST या OBC को जॉब में या क्या कहते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो छूट मिली है जिसके अकॉर्डिंग उनको जॉब मिली है या उनको एजुकेशन एडमिशन मिला है तो वो किस प्रिंसिपल्स पे है, तो रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी, और इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क किस बेसिस पे है, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क किस बेसिस पे है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर और इक्वल्स। ठीक है, तो हमें ये तीनों बात समझ में आनी चाहिए हमारे पास में। और यहाँ पे देखो गवर्नमेंट का मेन काम क्या है, गवर्नमेंट का काम क्या है कि अभी तक हमने पढ़ लिए तीनों, हाँ गवर्नमेंट का काम क्या है कि भाई वो ये देखे कि वो क्या करे इन तीनों के बीच में, जो तीनों इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट एफर्ट्स एंड स्किल्स व्हाइल डिटरमाइनिंग रिवॉर्ड एंड बर्डन्स, और साथ में क्या कहते हैं प्रोविजन फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द लिविंग, इन तीनों के बीच में क्या होना चाहिए उनको एक सामंजस्य बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए सामंजस्य बनाना चाहिए, कि क्या कहते हैं कि हार्मोनाइज करना चाहिए इन तीनों ही पॉइंट को, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट का मेन काम यही है। गवर्नमेंट का मेन काम क्या है कि वो इन तीनों के बीच में एक बैलेंस बना करके रखे, इन किन चीजों के बीच में तीनों ही प्रिंसिपल्स के बीच में क्या बना के रखे एक बैलेंस बना के, परसुइंग इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट बाई इटसेल्फ माइट समटाइम्स वर्क अगेंस्ट, तो कभी क्या होता है कि अगर हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे तो फिर क्या कहते हैं कि रिवार्ड और मेरिट को गड़बड़ करेगा, और कभी कभी रिवार्ड और मेरिट को ध्यान में रखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ लोग ऐसे रह गए हैं जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का मतलब होता है वो सेक्शन जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसमें क्या कहते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज रह गया है, यानी कि जिसको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, हेल्थ केयर सही से नहीं मिल पा रहा, तो उन लोगों को भी ध्यान रखना है, यानी कि तीनों के बीच में हमें एक बैलेंस बना करके रखना जरूरी है। यानी कि इफ देन बिकम्स अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू हार्मोनाइज द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ एंड प्रमोट जस्ट सोसाइटी, अगर जस्ट सोसाइटी गवर्नमेंट को जस्ट सोसाइटी बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा तीनों के बीच में क्या करना पड़ेगा एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो एक टॉपिक हमारा खत्म हुआ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब हमारा जो क्या कहते हैं कि अगला आ जाता है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और पेपर में क्या कहते हैं कि इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसी टॉपिक को क्या बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ओके, सेकेंड टॉपिक जो है इसका नाम क्या है मैं बता देता हूँ फिर से, यहाँ पे अगला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम कह सकते हैं, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ओके, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है भाई कि
अगर दो लोग इक्वल काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल आउटपुट मिलना चाहिए, क्या इक्वल आउटपुट फॉर इक्वल वर्क? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इस बेसिस पे काम करता है क्या, इक्वल आउटपुट फॉर इक्वल वर्क, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ओके, अभी इसको समझते हैं बढ़िया से क्या है क्या नहीं। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं कि टू अचीव सोशल जस्टिस इन सोसाइटी, अगर हमें सोसाइटी में क्या करना है, सोशल जस्टिस को लाना है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट माइट हैव टू डू मोर देन जस्ट इंश्योर दैट लॉज एंड पॉलिसीज ट्रीट इंडिविजुअल्स इन अ फेयर मैनर। कह रहे हैं कि अगर हमें, मैंने बताया ना कि कहते हैं कि अगर आपको भी कहते हैं कि सोशल जस्टिस लाना है, अगर सोशल जस्टिस को लाना होगा तो क्या केवल और केवल रूल्स और पॉलिसीज ही काफी है क्या? नहीं, रूल्स और पॉलिसीज के साथ साथ में ये भी जरूरी है कि, हाँ तो वही लिखा हुआ, सोशल जस्टिस ऑल्सो कंसर्न दैट जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होगा, केवल और केवल रूल्स और पॉलिसीज बना देना बड़ी बात नहीं, रूल्स और पॉलिसीज ही बना देना कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि हाँ, सोशल जस्टिस ऑल्सो यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इक्वली डिवाइडेड है, और हर सेक्शन में, हर सेक्शन में क्या कहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हो उनका क्या कहते हैं कि न्यायपूर्ण तरीके से क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, जितनी भी चीजें गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका न्यायपूर्ण से क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वेदर इट इज बिटवीन नेशंस, हो सकता है कि दो देश के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो सकता है कि दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, या हो सकता है कि क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल्स, किसी सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर मैं बात करूं सोशल जस्टिस को इंश्योर करना है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होना है, देयर मस्ट बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस इफ देयर आर सीरियस इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वलिटीज इन सोसाइटी। अगर मान लो कि हाँ, इट माइट बिकम नेसेसरी टू ट्राई टू रीडिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी टू प्रोवाइड समथिंग लाइक लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड फॉर सिटीजन्स, देयरफॉर विद इन अ कंट्री सोशल जस्टिस वुड रिक्वायर नॉट ओनली दैट पीपल बी ट्रीटेड इक्वली इन टर्म्स ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, हाँ, बट ऑल्सो दे इंजॉय सेम बेसिक इक्वलिटी ऑफ लाइफ कंडीशंस एंड अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर एक समाज है, मैं सिंपल बताऊं तो एक समाज है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लोग, कुछ लोग तो बहुत ही अमीर बन चुके हैं, हाँ? अब कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं, इतना गरीब हैं कि क्या कहते हैं कि इनको खाने पीने का डेली का खा भी नहीं पा रहे हैं, इतने गरीब हैं, और ये इतने अमीर हैं कि इनसे कोई लेना देना, तो इतना इनके बीच में गैप ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा गरीब, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी एक सोसाइटी में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि यहाँ पे बेसिक बेसिक नीड्स की, जो मतलब कि जीवन जीने के लिए जो बेसिक नीड है इनको भी मिले और जो बेसिक नीड है इनको भी मिले। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो समाज क्या है, सोशल जस्टिस है से परिपूर्ण है, मतलब कि उस समाज में सोशल जस्टिस है यानी कि सोशली जस्ट है, हाँ, क्या कहते हैं कि उसमें क्या कहते हैं कि कुल मिलाकर के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इक्वली हो रहा है, किसके बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। मैं बताता हूँ इसको कैसे लिखेंगे, हाँ, इसमें बता देंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस इन अ सोसाइटी मस्ट बी इन सच अ वे दैट ईच पर्सन और इंडिविजुअल, हाँ, ईच पर्सन लिख दो या इंडिविजुअल लिख दो, हैज ईच एबल टू एक्सेस बेसिक नीड्स ऑफ
लाइफ, जो भी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है उसको वो बड़े आसानी से क्या हो सके वो एक्सेस कर ले। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो समाज क्या है, सोशली जस्ट, मतलब वो सोशली जस्ट समाज। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, यानी कि उस समाज में सोशल जस्टिस है, ठीक है। यानी कि इक्वलिटी ऐसी नहीं इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ बेसिक इक्वलिटी ऑफ लाइफ कंडीशन एंड अपॉर्चुनिटीज, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी। हाँ, उनको ऐसा नहीं है कि पता चले कि तो वही यहाँ पे, दिस इज सीन नेसेसरी फॉर ईच पर्सन टू बी एबल टू परस्यू हिज हर ऑब्जेक्टिव एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ। यानी कि इन सोशल इन सोशली जस्ट सोसाइटी, ईच पर्सन कैन एक्सप्रेस देमसेल्व एंड आर एबल टू परस्यू दियर गोल, अपने वो गोल्स को क्या कर सके, फॉलो कर सके, वो अपने गोल्स को क्या कर सके, फॉलो कर सके, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। समझ आया कि समझ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन आर कंट्री फॉर इंस्टा द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी टू प्रमोट सोशल इक्वलिटी। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, टू प्रमोट सोशल इक्वलिटी, टू प्रमोट सोशल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, आर कॉन्स्टिट्यूशन, आर कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिस्ट दी अनटचेबिलिटी। कौन सा आर्टिकल है अनटचेबिलिटी के रिलेटेड, अनटचेबिलिटी पेपर में पूछ लिया जाएगा तो बता देना। आर्टिकल नंबर 17, क्या आर्टिकल नंबर 17 ने क्या किया, आर्टिकल नंबर 17 ने क्या किया, अनटचेबिलिटी को हटा दिया। मतलब कोई इस समाज में कोई अनटचेबल नहीं है, यानी कि सब लोग इक्वली क्या कर सकते हैं कि लोअर, चाहे वो लोअर कास्ट के हों वो भी मंदिर जा सकते हैं, उनको भी जॉब मिल जाएगी, उनको भी बेसिक नेसेसिटी जैसे वाटर ये सबको एक्सेस कर सकते हैं, सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो लोअर कास्ट के हों चाहे वो अपर कास्ट। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ऑल्सो टेकन सम मेजर्स, अलग अलग क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ने अपने तरफ से क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट किया, रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, चाहे वो क्या कहते हैं कि लैंड के फॉर्म में हो चाहे किसी ना किसी फॉर्म में रिडिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब इतनी बात आ गई, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑन मैटर सच वेदर एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस एंड इंश्योर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब्स अराउज फियर्स पैशंस इन सोसाइटी एंड इवन समटाइम्स प्रोवोक वायलेंस। तो देखो क्या होता है कि जब ये लोग इक्वल रिसोर्स का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, यानी कि जैसे कभी कभी रिजर्वेशन लोगों को दिया जाता है, तो फिर क्या होता है कि कभी कभी सोसाइटी में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा ही लोगों के अंदर क्या कहते हैं कि वो वायलेंस का भी हो जाता है। बहुत बार ऐसा ही चीजें हुआ है, पीपल बिलीव द फ्यूचर ऑफ देमसेल्व्स, उनको लगता है कि उनके फ्यूचर को छीन लिया गया। जैसे मान लो कि अब हायर कास्ट के लोगों को अगर मान लो रिजर्वेशन दिया जाता है लोअर कास्ट को, तो हायर कास्ट के लोगों को लगता है कि भाई कहते हैं कि हमारे भविष्य को छीना जा रहा है, ये सारी चीजें वो सब सोचते हैं, ठीक है। वी हैव ओनली टू रिमाइंड आवरसेल्व्स अबाउट एंगर एंड इवन, कह रहे हैं कि हमें शांति से ये सोचना चाहिए, हमें ये शांति से सोचना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल थियरी कि भाई देखो हाँ ये कि कहते हैं कि अगर जो उन लोगों को जरूरत है उनको तो क्या कहते हैं कि रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल फिलोसफर जॉन रॉल्स के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, जॉन रॉल्स के बारे में। उन्होंने क्या बताया, जॉन रॉल्स ने क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि देखो क्या लिखा हुआ, रॉल्स हैज argued that there could be indeed a rational justification for acknowledging the need of to provide help। अगर हमें क्या कहते हैं कि सही
सबसे जरूरी चीज है कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि जितने भी लीस्ट प्रिविलेज के लोग हैं, लीस्ट प्रिविलेज का मतलब जिनको कहते हैं कि चीजें नहीं मिल पाई हैं, तो उनको एक्नॉलेज करना, उनको क्या कहते हैं कि अगर हम क्या कहते हैं कि उनको रिजर्वेशन देते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होगी, एक प्रकार से क्या कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी सोसाइटी क्या कहते हैं कि न्यायपूर्ण नहीं है या न्याय संगत नहीं है। ओके, अभी जो हमारे जो नेक्स्ट टू टॉपिक बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, पहले ये हमें समझ में आ गया। अब देखिए, अभी तक हमने बता दिया कि जस्टिस क्या था, जस्टिस के बारे में हमने पढ़ लिया था, जस्टिस के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि अब क्या कहते हैं कि हमने ये देख लिया, समझ लिया कि जस्टिस क्या है। फिर उसके बाद में देखो, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या था भाई, जस्टिस इज इक्वलिटी दैट हार्मोनाइजेस एमंग अदर क्वालिटीज, यानी कि जस्टिस क्या करती है, दूसरों के बीच में हार्मोनाइज करती है। तो ये ध्यान रखो, जस्टिस एक प्रकार से क्वालिटी है जो हार्मोनाइज करती है एमंग अदर क्वालिटी, जो अपने आप को दूसरे क्वालिटीज में अपने आप को हार्मोनाइज कर लेती है। हार्मोनाइज का मतलब है सामंजस्य बिठा लेती। जस्टिस इज रिलेटेड टू द रूल्स रिलेटेड टू आर लाइफ, जस्टिस क्या होते हैं, हमारे रूल्स हैं जो हमारे हमारे लाइफ और पब्लिक लाइफ को लेकर के जो रूल्स बनाए गए उसे ही क्या कहते हैं कि जस्टिस बोला गया। ठीक है, अब आगे जस्टिस मैंने जैसा कि बताया था कि इंडियन सोसाइटी में किसके साथ में जोड़ा गया था, धर्म के साथ, किसके साथ में, धर्म के साथ में, जो कहते हैं कि अल्टीमेट ड्यूटी था, मतलब कि जो राजा का मेन धर्म, राजा का मेन काम क्या था, कि कहते हैं कि वो अपने धर्म का पालन करे, राजा का मेन काम क्या था, अपने धर्म का पालन करे। फिर यहीं पे मैंने एक अभी क्या कहते हैं कि कन्फ्यूसियस बताया था, यहाँ पे क्या बताया था, कन्फ्यूसियस, तो कन्फ्यूसियस के अकॉर्डिंग क्या था भाई, कन्फ्यूसियस के अकॉर्डिंग ये था कि कहते हैं कि जस्टिस शुड बी स्टैब्लिश, हाँ, जस्टिस शुड बी स्टैब्लिश बाय रिवॉर्डिंग, रिवॉर्ड किनको करना है, जिन्होंने अच्छा किया है, और क्या कहते हैं पनिश किनको करना है, रिवॉर्ड किनको करना है, जिन्होंने अच्छा किया था, और पनिश किनको करना है, जिन्होंने बुरा किया था। प्लेटो ने क्या, कौन सी बुक लिखी थी, यहाँ पे दी पब्लिक नहीं है, दी रिपब्लिक है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक होती है उस बुक में। ओके, अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, इफ ऑल डू इनजस्टिस, कह रहे हैं कि अगर सारे के सारे क्या कहते हैं कि इनजस्टिस करेंगे तो क्या कोई सेफ रह पाएगा, नहीं। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द जस्टिस टू गिव एवरी पर्सन टू अ फेयर शेयर, यानी कि कहते हैं कि हमें अगर हम जस्टिस कर रहे हैं तो मतलब कि सबको बराबर उनका भाग दे रहे हैं। ओके, इमैनुअल ने क्या बताया था, ये जर्मन फिलोसफर थे इमैनुअल, इन्होंने क्या बताया था कि एन अटेनमेंट ऑफ एवरी पर्सन इज अटेनमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, हाँ, एवरी पर्सन इज द अटेनमेंट ऑफ जस्टिस फॉर एवरी पर्सन इज अटेनमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ हिज डेवलपमेंट, अपने आप को वो डेवलप कर सके, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सारी बातें पढ़ ली। अभी क्या कहते हैं कि हमने तीन प्रिंसिपल्स भी पढ़ ली, कौन कौन से प्रिंसिपल थे, देखिए तीनों प्रिंसिपल्स मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इक्वल ट्रीटमेंट टूवर्ड्स कॉमन पीपल, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, हाँ, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स था। फिर दूसरा था प्रोपोर्शनल जस्टिस, तीसरा क्या था, स्पेशल नीड्स टू है, हाँ, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, तीसरा पॉइंट क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, तो ये सारी बातें हमने कर ली। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया था, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, किसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, गुड्स एंड रिसोर्सेस का, इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी वो चाहे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हो चाहे जो हो, सबको उनकी बेसिक नीड्स, हाँ, इक्वल लेवल ऑफ लिविंग मिलनी चाहिए, हाँ, सिटीजन कैन गेट इक्वल लेवल ऑफ लिविंग, सच एज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया, सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन एंड देयर आर स्टेप्स, हाँ, जैसे लैंड फॉर्म, ये सारी चीजें की गई। तो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तीन चीजें बताओ क्या क्या किया गया, अनटचेबिलिटी हटाया गया, अनटचेबिलिटी अबोलिशन, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लिखेंगे, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और फिर क्या किया गया, और क्या किया गया, लैंड रिफॉर्म, और क्या किया गया, रिजर्वेशन, किसके लिए किया गया, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि जस्ट रिजर्वेशन के लिए क्या क्या किया गया, तो ये सारी बातें आप बता सकते हैं। अब अगला जो क्या कहते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट थे, मैंने बताया ही था कि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, जो नहीं समझ में आया होगा कमेंट में पूछ लीजिए।